हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाने वाले हैं शामी कबाब। तो चलिए हम बता देते हैं कि शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 250 ग्राम मटन का कीमा लिया है हमने, 150 ग्राम चना दाल, गार्लिक लहसुन की कलियां 5 से 6, ड्राई रेड चिल्ली 4 to 5, लाल मिर्च 2 बेलीफ, तेज पत्ता 1 इंच, जिंजर, अदरक जो कि हमने इसको कट कर लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न, काली मिर्च, 2 अनियन जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है, 4 to 5 क्लोव लौंग, 1 इंच सिनेमन स्टिक, दालचीनी, सम कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया, सॉल्ट टू टेस्ट, ऑयल। अब सबसे पहले हम इसे प्रेशर कुक करना है हमें। कीमे को हम इसमें डाल देंगे कुकर में। दाल को भी हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, इसे भी हम डाल देंगे। सारे स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता, अदरक, लहसुन, जीरा और नमक। सॉल्ट हमने 1 टेबलस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और कोरिएंडर और अनियन का यूज हम बाद में करेंगे। इसमें पानी डाल देंगे, ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है। 1.5 कप हमने पानी डाला है इसमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इतना हमें पानी डालना है कि हमारी दाल गल जाए। हम इसे 15 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करेंगे। हमारा दाल और कीमा बॉईल हो चुका है, देखिए दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है, इसी तरह हम बाकी के भी ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारा कीमा और दाल पिस चुका है, अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे और चॉप्ड अनियन। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। अब इसके हम कबाब बनाएंगे इस तरह से, जैसे भी साइज आपको छोटा बड़ा चाहिए आप ले सकते हैं टिक्कियों का। ये देखिए इस तरह से। गरम होने के लिए हमने रख दिया था, बहुत ही थोड़ा सा हमने ऑयल इसमें डाला है। हमें इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई हम नहीं करेंगे, अदरवाइज कबाब हमारे टूट जाएंगे। सेक लेंगे हम, इसे टर्न कर लेंगे।
कबाब हमारे सिक चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी सेक लेंगे। देखिए हमारे शामी कबाब बनकर रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।